कौन कौन से वाले कह रहे हो आप? हाँ जी पुत्र, ट्रांसफार्मर, वेरी नाइस। और पुत्र, यस बेटा, डियर ऑल। हाँ जी, हाँ जी बेटे, बाकी सारा चैप्टर बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। दैट्स समथिंग वेरी नाइस एंड प्राउड ऑफ यू रादर। कोई कैपेसिटर का केस, सुनिएगा मेरी बात पुत्र, सुनिएगा तरन दीप के प्रीत प्रीत। मैं ये कह रहा था कि हमारा इंडिविजुअल कंपोनेंट्स जो हैं, जैसे प्योर रेजिस्टर है, प्योर इंडक्टर है, प्योर कैपेसिटर है, उनको देखने की जरूरत तो नहीं है कि वो डन है, ठीक है वो, ओके। चलिए फिर मैं बेटे, ये जो आपके दो टॉपिक्स हैं कुछ और लिखवा दो, ये तो मैं फटाफट ही कर दूंगा। हाँ जी, अच्छा गुड। चलिए हम बेटे यहीं से स्टार्ट करते हैं, एलसीआर सीरीज सर्किट से। ये थोड़ा सा टॉपिक वैसे लेंथी भी है, इसमें रेजोनेंस वगैरह डिस्कस करनी होती है, तो थोड़ा इसकी डिटेल कर लेंगे। हाँ जी, थोड़ा कॉपी पेन को रखिए हिसाब किताब में। एलसीआर सीरीज सर्किट में आपके पास बच्चों ये इंडक्टर एंड ये डियर चिल्ड्रन कैपेसिटर, और आपके पास प्योर रेजिस्टर आपने कनेक्ट कर रखे हैं, एंड टू एंड ज्वाइन कर रखे हैं, सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं बेटा। थोड़ा पीरियड लगाने के बाद आपसे बात करते हैं। ये आपका एसी सोर्स है और आपने ऐसे बेटे कनेक्ट कर रखा है, इंडक्टर का इंडक्टेंस एल के बराबर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी के बराबर, एंड प्योर रेजिस्टर का रेजिस्टेंस बेटे आर के बराबर। जब भी पुत्र जी आप बात करते हो प्योर इंडक्टर की, गुड़िया, प्योर इंडक्टर में वोल्टेज और करंट में से कौन लीड करता है, कौन लैग करता है? हाँ जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। वोल्टेज लीड्स द करंट, मतलब अगर वोल्टेज आप वी एल ले लेते हो इस तरफ, आपका करंट 90 डिग्री लैग करेगा, पीछे चलेगा। और प्योर कैपेसिटर में गुड़िया, करंट लीड करेगा, वोल्टेज लैग करेगी। इट मींस कि अगर आप करंट इस तरफ ले लेते हो, आप आई इधर ले लेते हो, आपका वोल्टेज इस तरफ आ जाएगा, वी अक्रॉस द कैपेसिटर। मैं थोड़ा सा इसको बेटे मॉडिफाई कर देता हूं। इसमें आपका वोल्टेज अहेड था, डियर चिल्ड्रन, वोल्टेज को मैं ऐसे और डियर करंट को ऐसे लिख देता हूं, उससे फिर हमारा एक पैरामीटर फिक्स हो जाएगा, एक एक्सिस पे फिक्स हो जाएगा, राइट। और पुत्र प्योर रेजिस्टर में इन फेज, वेरी नाइस, जिधर आपका वोल्टेज उधर ही आपका करंट भी रहेगा। सो बच्चों, इस बेसिक नॉलेज को आपने इन टर्म्स ऑफ द फेजर डायग्राम पुट कर देना है। आइए बात करके देखें, आपने ये वाले वर्टिकल एक्सिस बेटा चूज किए, और इन एक्सिस पे आपने बेटा, एक्स एक्सिस पे रादर आपने करंट और वोल्टेज अक्रॉस द प्योर रेजिस्टर आपने कंसीडर किया, और आपका करंट ऑब्वियसली इसी तरफ होगा फिर, और आपका जो प्योर इंडक्टर है, इंडक्टर की जो आपकी वोल्टेज है, ये आपने बेटा वी एल इन एक्सिस पे वी एल को कंसीडर किया, ये ओरिजिन है, आई आपका
90 डिग्री पीछे रह गया, लैग कर गया, या ये वी एल आपका करंट से 90 डिग्री आगे चला गया, राइट। कैपेसिटर की बात कर लीजिए, कैपेसिटर में आपका करंट आगे वोल्टेज पीछे, अगर करंट मैं इधर ही फिक्स कर लूं तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर वी सी ऐसे आ जाएगा जी, ये आपका वी सी आ गया। बच्चों ये और ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं आपके, और अगर ये दोनों एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं तो आप इतना पार्ट इसमें से माइनस कर दीजिएगा, इतना बच गया बाकी। तो आई विल मेक यूज ऑफ द अदर पीस ऑफ द चॉक टू जस्ट इंडिकेट दैट कि ये वी एल माइनस वी सी के बराबर आपको इतना हिस्सा, इतना पार्ट मिल गया। एक बात और याद रखिएगा सारे स्टूडेंट्स बेटा, हम यहाँ पे ये अज्यूम करके चल रहे हैं हमारा जो सर्किट है इट इज बेटे इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। अगर आपका कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट होगा तो बेटे चरणजोत पुत्र, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट में फिर किस तरफ हमारा आएगा रिजल्टेंट वेक्टर? इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट में ये आ गया। अगर आपका कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट होगा तो वी सी की वैल्यू वी एल से बड़ी हो जाएगी, यस वो ये चीज इधर आ जाएगी, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, इसमें से माइनस किया नेट इधर आ जाएगा। अब एक आपके पास ये वोल्टेज है, एक ये है, इन दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का आपको रिजल्टेंट निकालना है। बेटे जब भी आप वेक्टर्स की एडिशन की बात करते हैं, मे बी आप ट्रायंगल लॉ लगा लें, पैरेललोग्राम लॉ लगा लें, किसी भी तरीके से ऐड कर लो, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल एडिशन। जैसे हम नंबर्स की एडिशन कर देते हैं, दो में चार ऐड कर दिया छह आ गया, छह में चार ऐड कर दिया दस आ गया, नहीं, ये वेक्टर्स हैं, इनकी कुछ खास डायरेक्शन है, हम सीधा ऐड नहीं कर सकते, हमें जो हमारे डिफरेंट बेटा लॉज हैं एडिशन के लिए वेक्टर्स की, उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो आपका ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इनका रिजल्टेंट डियर चिल्ड्रन आपके पास आ जाएगा जी, ये चीज आपके पास आ गई, ये इसको आपने बोल दिया ई, और आप लिखवाओगी पुत्र? हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं, ए का स्क्वायर बी एल माइनस बी सी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 90, दैट्स वैनिश्ड एंड इट्स ऑल अंडर द रूट, राइट। चलें जी आगे, और ई आपके पास बच्चों आ गया जी, चरणजोत बेटे बी एल को क्या लिखेंगे? बी एल अदिति, क्या अदिति? ओ चलो एक ही बात है, बोलिए गुड़िया। बी एल को क्या लिखें? ना ना ना, आई इंटू क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस गुड़िया, एक्सएल, आई इंटू एक्स एल लिख सकते हैं, है ना, और वी सी को आई इंटू एक्स से लिख सकते हैं, और तरनप्रीत बी आर को क्या लिखें? इसको आई इंटू आर, क्या करते हो यार आप, हैं आई इंटू आर इसका स्क्वायर एंड ऑल अंडर द रूट, राइट। हाँ हाँ हाँ, आई, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल है, लिख रहा हूं मैं, ये आपके पास आई इसमें भी है, इसमें भी है, स्केयर है दोनों का, इट कैन बी टेकन आउट, और आपका ये बच गया जी, बाकी बच गया एक्स एल माइनस एक्स सी का स्केयर प्लस आर का स्केयर आ गया। आई को इधर शिफ्ट कर दें, एक कुछ कह रहा है पीछे बच्चा, ई अपॉन आई इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का, ये बेटे ई अपॉन आई
बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, इट शोज कि आपको आता है कंसेप्ट ऑलरेडी. जेड इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर ऑल अंडर द रूट. ये आपके पास जेड जो है इम्पीडेंस कहलाता है. एक छोटी सी टर्म है एडमिटेंस. एडमिटेंस है याद? नहीं, पीछे आपके कोई नहीं बैठा हुआ. एडमिटेंस आपको याद है पुत्र? एडमिटेंस जो है, अरे बच्चे एडमिटेंस को डिफाइन करिए आप. हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस. एडमिटेंस जो है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस होता है, याद रखिएगा. एडमिटेंस ए जो है रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस को बोल देते हैं. ठीक है जी. अब थोड़ी सी बेटे हमें बात करनी पड़ेगी इसके रिजल्टेंट के फेज की टर्म्स में भी बात करनी पड़ेगी, बिकॉज हमने डायरेक्शन के बारे में अभी कोई बात की नहीं है. तो बच्चों देखो, ध्यान से देखिएगा. अंकिता, अगर बेटे मैं ये एंगल फाई बोल दूं तो मैं फाई कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? अंकिता, हाँ जी, फाई कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है यहां से? ये इट इज द फेज एंगल ऑफ द रिजल्टेंट वोल्टेज इन द एलसीआर सीरीज सर्किट, द एंगल विच दिस वोल्टेज इज मेकिंग विद द नेट वैल्यू ऑफ द करंट. 10, वेरी गुड, वेरी नाइस, लिखवाइएगा. 10, 10 फाई इज इक्वल टू क्या लिखूं पुत्र? वी एल माइनस वी सी अपॉन वी आर, ये वाली वोल्टेज डिवाइडेड बाई ये वाली वोल्टेज. ठीक है जी. और 10 फाई आई इन टू एक्स एल माइनस एक्स सी, और ये आई इन टू आर, आई कट गया, और फाई इट इज टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन आर. तो बच्चों अगेन थोड़ा सा मैं आपको आगे ले चलूं, अगर अगर आपका एक्सएल ये जो आप देख रहे हो ये एक्स सी से बड़ा हो जाएगा, टेन फाई विल बी पॉजिटिव, फाई विल बी पॉजिटिव, आपका रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन सर्किट का जो है एलसीआर का दैट विल बी इंडक्टेंस डोमिनेटेड, और उसमें दैट एक मिनट बेटा दैट विल इंडिकेट कि आपका वोल्टेज आगे चल रहा है. और अगर सी बड़ा हो जाए आपका टेन फाई नेगेटिव आ जाएगा, वो इंडिकेट कर देगा कि ये ऊपर नहीं बल्कि नीचे आ जाएगा, करंट आगे चला जाएगा. बोलिए पुत्र. वी एल माइनस वी सी कर लीजिए, वही चीज है. हाँ? इसको इसमें एक्चुअली बेटे ये था आपका ये वाला वेक्टर जो है दिस वन, टोटल ये वी एल, इसमें से वी सी आपने माइनस कर दिया, ये वेक्टर आपका वी एल माइनस वी सी, एंड दिस वेक्टर इज ऑलरेडी इक्वल टू वी आर. हमने दोनों साइड्स की वैल्यू ऐसे चूज कर ली है, वी एल टोटल, इसमें से एंटी पैरेलल वेक्टर माइनस कर दिया, वी एल माइनस वी सी, और आपका वी आर ऑलरेडी है ही है, तो वी एल माइनस वी सी डिवाइडेड बाई वी आर, सिंपल आपका रेशियो आ जाएगा. राइट. इसके बाद बेटे छोटा सा कंसेप्ट और है हमारे पास, दैट इज रेजोनेंस. रादर इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. इस पे बेस्ड आपको बहुत बार ये भूमिका, अच्छा हमारी क्लास में भूमिका है, जब आएगी एक बार मुझे मिलवाना. तो आई वॉज टोटली, थोड़ा लग रहा है कि ये बच्चे, मुझे तो लगता है टेंथ में है, आप कह रहे नहीं है, मुझे गलती लग रही है शायद. हाँ, हाँ जी, हाँ? नहीं नहीं, अब बच्चे तो हैं ना हमारी क्लास में, ऐसे थोड़ी है. आइए बेटे बात करके देखें रेजोनेंस की.
रेजोनेंस इन एलसीआर सीरीज सर्किट। बेटे रेजोनेंस आपका जो है, आपने प्रेजेंटली कहा था आपका जो है जेड इंपीडेंस जो आपने निकाला था, इट वाज एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर ऑल अंडर द रूट था। बच्चों ऐसा था ना, अगर आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए, एक्सएल आपका एक्ससी के बराबर हो जाए, इसमें आपका जेड जो है इट विल बी आर स्क्वायर अंडर द रूट, जेड विल बी सिंपली आर, और आपका एलसीआर सीरीज सर्किट जो है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। आपका इंडक्टर और कैपेसिटर अपनी इंपॉर्टेंस खो देंगे इस वैल्यू पे। और अगर हम बेटे करंट की यहाँ पे लिखना चाहें एक्सप्रेशन, इट वाज ई अपॉन जेड होता है करंट, तो जब आपका रेजोनेंस हो जाएगा ये आपका ई अपॉन आर रह जाएगा। ये बेटा सुनिएगा, जब कंडीशन आपकी रेजोनेंस वाली नहीं है तब आपका Z बड़ा है कि R बड़ा है? Z बड़ा है, इसका मतलब है I कम होगा। जब रेजोनेंस हो गया तो कौन सी चीज बड़ी हो गई? तब आपका R छोटा हो गया, आपका I राइज कर जाएगा। इसको आप ऐसे प्लॉट किया करते हो, और मैं ये डायग्राम रब कर देता हूं। वी विल प्लॉट इट ओवर हियर। आइए देखें, आपने इन एक्सिस पे करंट लिया और ये आपका ओरिजिन, इन एक्सिस पे आपने फ्रीक्वेंसी न्यू इमेजिन किया, ठीक है जी, और आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ये आपको पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कहते हैं कि आपको एक ये ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, आपको वो यहाँ पे पहली बात तो यह है कि इसको मार्क करने को कह सकते हैं, कुछ इसके साथ रिलेटेड पूछ सकते हैं। इट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट या न्यू नॉट, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू ज्यादा आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, अंकिता, अंकिता पुत्र, अंकिता आर वन आर टू आर थ्री को असेंडिंग ऑर्डर में लिखवा दीजिए। आर थ्री बड़ा आर टू, हाँ जी असेंडिंग ऑर्डर में लिखवा दो आप। आर थ्री कम के ज्यादा असेंडिंग में लिखवाओ गुड़िया। आवाज नहीं आ रही आपकी। आर वांग लिख दिया पहले, ये छोटा है ना, फिर आ गया आर टू, ये भी छोटा है आर थ्री से, ठीक है जी, तभी करंट्स आपके ज्यादा आएंगे। और बच्चों ये जो करंट आ रहा है इसको आप आई नॉट पीक वैल्यू ऑफ द करंट कह सकते हैं अकॉर्डिंगली, थोड़ी सी रेजोनेंस, हाँ जी रेजोनेंस कंडीशन की थोड़ी बेटे वर्कआउट करके देख लें। हमारे पास असल में एक्सप्रेशन क्या बनेगा, दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल अदरवाइज आल्सो। रेजोनेंस पे आपका एक्स एल एक्स सी के बराबर था, एक्स एल किसके बराबर होता है पुत्र, एक्स एल पीछे वो बच्चा, एक्स एल एक्स सी आप बता दीजिए, वेरी गुड, इट शोज दैट प्रिपरेशन हैज बीन कंप्लीटेड। ओमेगा एल वन बाई ओमेगा सी, रेजोनेंस पर हम ओमेगा नॉट लिख दिया करते हैं,
ठीक है, ओमेगा नॉट उठाकर इधर ले आओ, एल इधर ले आओ, ओमेगा नॉट का स्क्वायर 1/LC आ गया जी, ओमेगा नॉट आपका 1/√LC बना। ओमेगा नॉट को हम जनरली क्या लिखते हैं, 2π μ0। वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटे, दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर साइड की अब तक आपकी प्रेपरेशन हो गई होनी चाहिए। एग्जाम्स आर कमिंग वेरी नियर, 2π√LC ये आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकल आया बेटा, राइट। छोटा सा मैं एक मिनट आपका और बेटे यहाँ पे इधर आपका ध्यान लेके, हाँ जी आ जाएगी, आ जाएगी वो बेटे, मैम एक्चुअली बोर्ड की डेट थोड़े देख रहे थे डेट्स को, आज आपको मिल जाएगी, पॉजिटिवली आज आ जाएगी, घर पहुंचने से पहले आपको मिल जाएगी। यस, आपको पहले बता दिया हुआ है, वो तो 29 से ही बता बेटे, जैसे आपको बेटे लिसन पुत्र, जैसे मैडम की तरफ से आपको ऑलरेडी ये कन्वे कर दिया गया था कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स 29 से हैं, वो 29 से ही हैं। डेट शीट के लिए मैम थोड़ा वो बोर्ड की डेट्स को देख रहे थे, वो उन्होंने कर लिया है कंप्लीट काम, तो आज आपको पॉजिटिवली, और कोई बात नहीं बेटे, वो मैडम ने सारा कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। आप नहीं बेटे, ये लिसन ये चीज मैम ने ऑलरेडी देख ली हुई है, आप चिंता मत करिए। हाँ जी, वो मैडम ने ऑलरेडी आपका इश्यू ऑलरेडी एड्रेस कर दिया है। और बेटे सुनिएगा, जरा सुनिएगा, आपने अगर पावर की बात करो, पावर ऑफ LCR सर्किट की एक्सप्रेशन, आपका पावर का ERMS IRMS cos phi के बराबर हुआ करता है। आपका अगर बेटा प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो, उसमें 90 आ जाएगा, cos 90 will be 1, सारे का सारा पावर आपका इंडक्टर के क्रॉस कंज्यूम हो जाएगा। प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट में अगेन ये 90 रहेगा, आपका पावर का कंजम्पशन चलता रहेगा। अगर आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा, उसमें ये 0 हो जाएगा और आपका लॉस पावर का मैक्सिमम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ही है। फिर से बेटे एक बार मैं दोबारा कहूंगा, प्योरली इंडक्टिव प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट में फाई 90 होने की वजह से पावर का लॉस नहीं होता, आपके सर्किट में ये कंपोनेंट्स पावर को कंज्यूम नहीं करते हैं। लेकिन जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है, वो आपकी एसी पावर कह रहा हूं मैं, इसको ज्यादा कंजम्पशन उसकी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के क्रॉस होती है। तो आप लोग जब भी किसी हैवी मशीनरी का डिजाइन करते हैं, आप पावर फैक्टर वाली टर्म को अपने माइंड में रखते हैं, फाई को आप अपने कंट्रोल में काबू में रखना चाहते हैं ताकि ज्यादा करंट की कंजम्पशन ना हो। जब कोई भी मशीन का डिजाइन किया जाता है तो फाई को कम से कम रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये भी नहीं करना हमने कि वो मशीन इतनी पावरफुल रहे ही ना, उससे काम भी हमने करवाना है ना बेटा। तो पावर नो डाउट एक हमारा फैक्टर है कि कम से कम कंज्यूम हो, लेकिन मशीन की जो वर्किंग एबिलिटी है दैट शुड नॉट सीवियरली बी अफेक्टेड, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। सो आपका जो डिजाइन है मशीन्स का, उसमें पावर फैक्टर एक मेजर रोल प्ले करता है, इसको कम रखने की कोशिश करते हैं पावर कंजम्पशन कम करने के लिए, और अपनी मशीन को हम पावरफुल भी देखना चाहते हैं, दोनों काम करना चाहते हैं। अब रेजोनेंस जब हो गया आपका, हाँ जी बेटे, हैं क्वालिटी फैक्टर आपका क्यू वैल्यू होता है, मैं 2-4 मिनट इसके ऊपर भी डिवोट कर देता हूं। इस क्वालिटी फैक्टर के रिगार्डिंग ये आपको बेटे आपकी जो ये रेजोनेंस कर्व है, इसकी शार्पनेस के बारे में बता देता है। और क्वालिटी फैक्टर क्यू आपका 1/√LC के बराबर हुआ करता है। और आप
इस क्वालिटी फैक्टर की हेल्प के साथ बेटा ये बात जज कर सकते हो कि आपका जो ये कर्व है ये नैरो है कि वाइड है। ये कर्व जितना नैरो होगा उतना ज्यादा आपकी करंट की पीक जो है आपको ज्यादा वैल्यू ऑफ द करंट दे देगी। थोड़ा सा बेटे मैं एक हमारा चोक कॉइल नाम का डिवाइस है, शायद अब प्रेजेंटली सिलेबस में नहीं भी है, फिर भी 1 मिनट उस पर मैं जरूर डिवोट करूंगा। आप जब लैब में जाते हो, सुनिएगा, लैब में आप अपने डीसी सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हो, रियोस्टेट यूज करते हो ना बेटा। अगर आपको वही काम एसी के साथ करना हो, आप एसी की वोल्टेज को कंट्रोल करना चाहें, एसी करंट को कंट्रोल करना चाहें, तो कौन सा डिवाइस प्रेफर करेंगे हम? दैट विल बी द चोक कॉइल। क्यों? चोक कॉइल आपका प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है, इंडक्टर में आपका पावर फैक्टर फाई 90 डिग्री रहता है, पावर का कंजम्पशन नहीं होगा। जो आपका चोक कॉइल है वो करंट को कंट्रोल करते टाइम खुद पावर की कंजम्पशन नहीं करेगा और आपको आपका एफिशिएंटली सर्किट वर्क करता हुआ मिल जाएगा। अगर आप उसकी जगह पर रेजिस्टिव सर्किट यूज कर लेंगे तो प्रॉब्लम है, रेजिस्टिव सर्किट आपका वहां पर फिर अपने यूज के लिए पावर को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है, दैट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक। ट्रांसफार्मर पे 2-4 मिनट डिवोट करूंगा, ये ध्यान दें। ट्रांसफार्मर क्या है, कैसे कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, आइए देखें। ट्रांसफार्मर बेटे आपका जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। आपको दो कॉइल्स इसमें दी जाती हैं, ये आपका सॉफ्ट आयरन का कोर ट्रांसफार्मर का, और जो ट्रांसफार्मर का कोर है इसको आपने बच्चों लैमिनेट कर रखा है वेफर्स में कट करने के बाद, और ये बच्चों आपका प्राइमरी कॉइल और इधर आपका सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी का P1 P2, सेकेंडरी का S1 S2। बेटा फ्यू इयर्स बैक उन्होंने यहाँ पे एक ना 200 वोल्ट की बैटरी लगाकर न्यूमेरिकल दे दिया था, बच्चों ने सॉल्व भी कर दिया था लेकिन आंसर 0 आना था बिकॉज डीसी लगा हुआ था इधर। इस बात का खास ध्यान रखना है, जब तक वो यहाँ पे एसी का नहीं बनाते हैं ऐसे आपका ये किसी काम का नहीं है। उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे 200 वोल्ट की बैटरी लगा दी, नंबर ऑफ टर्न्स इधर इधर दोनों दे दिया और बाकी करंट भी दे दिया। बच्चों ने फटाफट कैलकुलेशन करके उधर आंसर निकाल दिया, बट निकलना कुछ भी नहीं था बिकॉज उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होनी नहीं थी, डीसी ने पोलैरिटी बदलनी नहीं थी। हाँ क्या कहता है, तीन का यस, इट समटाइम्स हैपेंस। इधर आपका ये आउटपुट आ गया, लोड रेजिस्टेंस है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी, वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी, करंट अक्रॉस द प्राइमरी, करंट अक्रॉस द सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर रेशो के नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द सेकेंडरी एंड प्राइमरी के बराबर होता है। अगर ये मोर देन वन हो तो आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में याद रखिएगा इस नंबर ऑफ टर्न्स का एन ज्यादा होता है लेकिन वायर थिन होती है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में के आपका लेस देन वन है, आपका ये स्टेप डाउन हो जाएगा, उस केस में ये वायर थिक हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगी। और जब आप दोनों के मैग्नेटिक फ्लक्स को इक्वेट कर देते हो तो आपका बेटा जो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है उससे आप अपना एन एस नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस द सेकेंडरी ई एस इट इज इक्वल टू एन पी ई पी कर लेते हो, और आपका ई एस अपॉन ई पी ये जो है आपका
लेट मी रिपीट बेटा वंस अगेन, दो केसेस बनेंगे आपके। एक तो ये है कि जब आप अपनी इनपुट और आउटपुट पावर को इक्वेट कर देते हो, पावर आपका इनपुट आउटपुट पावर के बराबर तब होगा जब पावर का लॉस नहीं होगा। पावर आपका इनपुट बनेगा ई प्राइमरी आई सेकेंडरी ई एस अपॉन ई पी आई पी अपॉन आई एस के बराबर हो गया, और आपका वोल्टेज करंट पर इनवर्सली डिपेंड कर गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसी फिनोमिना पे वर्क करते हैं। जब आप स्टेप अप कर देते हो वोल्टेज को करंट कम हो जाता है, जब आप वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देते हो तो करंट बढ़ जाता है। तो ये आपके ट्रांसफार्मर्स राउंड अबाउट लगे रहते हैं, इनका इसी के ऊपर आप बिहेवियर इसके बेसिस के ऊपर आप डिस्कस कर सकते हैं। और जब आप फ्लक्स को इक्वेट कर दोगे आपका ई सेकेंडरी ई प्राइमरी एन सेकेंडरी एन प्राइमरी ट्रांसफार्मर रेशियो के बराबर आ जाया करता है। आप इनको कंबाइन करके भी लिख सकते हो, दैट इज ई सेकेंडरी ई प्राइमरी एन सेकेंडरी एन प्राइमरी आई प्राइमरी आई सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर में डिफरेंट डिफरेंट लॉसेस की अगर बात करें, कॉपर लॉसेस हैं, फ्लक्स लॉसेस हैं, हमिंग लॉसेस हैं, लॉसेस ड्यू टू द कैविटी हैं, या लॉसेस ड्यू टू द डिजाइन भी कई बार हमें देखने को मिलते हैं। हाँ जी, हिस्टेरेसिस लॉसेस भी होते हैं, वो मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा था बिकॉज हिस्टेरेसिस जब आप करते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, अदरवाइज हिस्टेरेसिस लॉस में आपका बी एच कर्व का जितना एरिया आ जाएगा वन साइकिल में, उतना एनर्जी आपका वेस्ट होता चला जाएगा। तो ये डिफरेंट लॉसेस हैं, इनको कम किया जा सकता है और अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रांसफार्मर को मोर एंड मोर एफिशिएंट बना सकते हैं। राइट बेटा, सो दिस वाज बेटे द पॉइंट्स यू हैव आस्क्ड अबाउट। बेटा इनके बिना कोई और आपकी बात है तो जरूर बताइए। सो थैंक यू ऑल बेटे, दैट्स ऑल फॉर द डे। बैठिए तो सही आप, थैंक यू बेटा।